ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कल्याण फाटा दत्ता मंदिर के पास पानी की पाइपलाइन फूट जाने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, मगर किसी भी कर्मचारी अधिकारियों की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है। सुबह से ही ये पानी इसी तरह से बह रहा है। अब जल विभाग की लापरवाही नहीं तो और क्या है ये। एक तरफ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कल्याण फाटा दत्ता मंदिर के पास पाइपलाइन फूटने से इसी तरह पानी लगातार बह रहा है। दीवा प्रभाग समिति के हद में आने वाले जल विभाग की लापरवाही है ये। कर्मचारियों अधिकारियों को पीने का पानी गटर नाले में बहता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए, आप पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हों, जल विभाग की लापरवाही से पानी नालों और गटरों में बह रहा है। ऐसे में कर्मचारियों अधिकारियों को क्या कहेंगे आप। हैरानी तो इस बात से भी होती है कि सुबह से ही पानी की पाइप फूटी हुई है और इसी तरह से पानी बह रहा है। अभी तक इस फूटी हुई पाइप का मरम्मत कार्य नहीं शुरू किया गया है। सोचिए, तकरीबन 20 घंटे से पीने का पानी लाखों लीटर इसी तरह से बह रहा है। जल विभाग की ये सबसे बड़ी लापरवाही नहीं तो और क्या है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।